नमस्कार, मेरा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं राइजिंग छपरा। सोशल मीडिया के इस दौर में रील्स बनाने का क्रेज लोगों के सिर चढ़ कर बोल रहा है, लेकिन क्या रील्स के चक्कर में कोई किसी की हत्या भी कर सकता है? यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बिहार के बेगूसराय में पति का रील्स बनाने से रोकना पत्नी को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने ही पति की हत्या कर दी। जी हाँ, यह पूरी वारदात बिहार के बेगूसराय जिले के खोदावपुर थाना क्षेत्र के फफौत गांव की है। जानकारी के अनुसार समस्तीपुर जिले के नरहन गांव निवासी महेश्वर का 7 जनवरी की रात करीब 9 बजे पत्नी रानी से ससुराल में झगड़ा हुआ था। महेश्वर अपनी पत्नी रानी से दूसरे लड़के से बात करने और इंस्टाग्राम रील बनाने से मना किया करता था। इस बात से गुस्सा होकर रानी ने अपने पति महेश्वर से कहा कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने टोकने वाले, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं। बस इसी विवाद के चलते अगले दिन रानी ने अपने परिवार संग पति महेश्वर की अपने ससुराल में ही हत्या कर दी। साल 2016 में बिहार के समस्तीपुर जिले के नरहन गांव निवासी महेश्वर का बेगूसराय के फफौत गांव की रहने वाली रानी से अफेयर चला। दोनों ने घर वालों की रजामंदी से शादी भी कर ली। ससुराल में रानी पूरे दिन फोन पर किसी न किसी से बात करती ही रहती थी और इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी। शुरुआत में ससुराल वालों ने रानी से कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में पति महेश्वर ने उसे इस बात के लिए टोकना शुरू कर दिया। इसके बाद भी रानी ने रील बनाना बंद नहीं किया, वह पूरे दिन मोबाइल पर बिजी रहती। इसी दौरान महेश्वर की कोलकाता में नौकरी लग गई, वह कोलकाता शिफ्ट हो गया जबकि रानी ससुराल में ही रह रही थी। इस बीच मोबाइल पर बिजी रहने के दौरान रानी की जिंदगी में एक अन्य शख्स की एंट्री हो गई। रानी उससे घंटों घंटों बातें किया करती थी। यह बात ससुराल वालों को पता चल गई। उन्होंने रानी की इस बात का विरोध किया तो वह मायके चली गई। मायके में रहते हुए रानी ने रील बनाना बंद नहीं किया। रील बनाने के दौरान रानी की दोस्ती और भी लड़कों से हो गई। वो सभी से फोन पर बातें करती थी। जब यह बात पति महेश्वर को पता चला तो उसने उसे ये सब छोड़ देने को कहा, लेकिन रानी नहीं मानी। काफी दिनों तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन रानी ने महेश्वर से कहा कि वो उसके मायके आए। महेश्वर कोलकाता से सीधे बेगूसराय के फफौत गांव पहुंचा। रविवार की रात दोनों पति पत्नी में फिर से इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। तभी उसने देखा कि मायके में उसकी बीबी का प्रेमी भी आया हुआ है। रानी के प्रेमी का महेश्वर से जोरदार झगड़ा हो गया। इसके बाद रानी ने दो बहनों और अपने प्रेमी के संग मिलकर पति महेश्वर की गला दबाकर हत्या कर दी। इससे पहले कि रानी अपने प्रेमी और अपनी बहनों संग लाश को ठिकाने लगाती, तभी महेश्वर के फोन पर उसके भाई रुदल का फोन आ गया। महेश्वर का फोन रानी के प्रेमी ने उठाया और कोई बहाना बनाकर कॉल काट दिया। इस पर रुदल को शक हुआ तो उसने पिता को समस्तीपुर में कॉल किया। रुदल भी कोलकाता में रहता है, इसलिए उसने पिता से कहा कि वो बेगूसराय जाकर देखें कि भाई ठीक है या नहीं। लेकिन जैसे ही महेश्वर के पिता फफौत गांव पहुंचते हैं तो उसके बेटे के ससुराल में उनके बेटे की लाश फंदे से लटकती हुई मिलती है। महेश्वर के पिता ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मृतक के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी में रानी, रानी का प्रेमी, रानी की बहनें रोजी और सुनीता शामिल हैं। आरोपी रानी के इंस्टाग्राम पर 9,500 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उसके अकाउंट में 655 रील्स हैं। रानी ने अपने पति की हत्या से पहले इंस्टाग्राम पर एक रील बनाकर पोस्ट की, जिसमें उसने यह पोस्ट करते हुए कहा कि मेरी एक ही कमजोरी है, मैं ऐसे जिंदगी नहीं काट सकती और जो मेरा है मैं उसे किसी के साथ बांट नहीं सकती, तो अपने सारे पुराने किस्से निपटा कर आना। ऐसे में यह तय था कि रानी ने अपने पति की हत्या पहले से प्लानिंग कर रखी थी। फिलहाल पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। मामले में आगामी कार्रवाई जारी है।